गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, योर मैथ्स टीचर किरण इज हियर। स्टूडेंट्स, हम जो है एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे। इसमें हमने फोर्थ सम तक आपका कंप्लीट हो गया था, आज हम फिफ्थ सम करेंगे। फिफ्थ सम देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस। Each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3. ए पार्ट आपको दिया है ब्लैंक 6, 7, 2, 4 और बी पार्ट आपको गिवन है 4, 7, 6, 5 और 2। अब देखो फिफ्थ सम में आपको क्या बोला गया है कि राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द लार्जेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस। जो आपको ये ब्लैंक स्पेस गिवन है, इसमें आपको स्मॉलेस्ट डिजिट और लार्जेस्ट डिजिट लिखना है, ताकि जो नंबर है फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। जो आपका नंबर बनेगा इस ब्लैंक स्पेस में स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर डालने पर, वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो बच्चों, आपने जो है डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का रूल पढ़ा था, वो क्या था कि हमें पता है कि 3 से कौन डिवाइड होता है, जब उसके सम ऑफ डिजिट्स क्या हो, 3 से डिविजिबल हो। तो लिखो, वी नो दैट अ नंबर is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3। यही पढ़ा था हमने डिविजिबिलिटी रूल में, कि कोई भी नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल कब होगा, अगर इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या हो, 3 से डिविजिबल हो। तो अब देखो जो है आपको स्टेटमेंट गिवन थी ए पार्ट की 6, 7, 2, 4। अब इस ब्लैंक की जगह आप क्या मान लो, एक्स मान लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सभी डिजिट्स का सम किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी ये नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। अब एक चीज़ और, इन्होंने बोला है कि आपको स्मॉलेस्ट डिजिट और ग्रेटेस्ट डिजिट चेक करना है कि कौन सा होगा। तो देखो बच्चों, जब भी आपको स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट बोलेंगे, तो देखो आपके जो काउंटिंग्स में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन डिजिट्स को आपको चेक करना होता है कि कौन सा जो है छोटा रहेगा और कौन सा बड़ा रहेगा। तो जब भी इन आपको बोलेंगे कि स्मॉलेस्ट डिजिट, तो आप 0 के लिए चेक करेंगे, और जब भी आप बोलेंगे कि ग्रेटेस्ट डिजिट, तो आप 9 के लिए चेक करेंगे, मीन्स उल्टा साइड 9, 8, 7 ऐसे चेक करते जाएंगे। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या है, हमने एक्स मान लिया, एक्स 6, 7, 2, 4। अब देखो सम ऑफ डिजिट्स निकालो, सम ऑफ डिजिट्स कितना आएगा, सम ऑफ डिजिट्स हो गया यहाँ से x प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4। अब इसको सोल्व करो, 4 और 2 6, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 6 कितना हो गया 19, तो ये हो गया x प्लस 19। तो अब आपके पास क्या है, ये सम ऑफ डिजिट्स आ गया। अब देखो, अब हमें ये 3 से डिविजिबल करवाना है, तो पहले आप स्मॉलेस्ट डिजिट के लिए चेक करो, स्मॉलेस्ट डिजिट टू बी प्लेस्ड एट ब्लैंक स्पेस इज, देखो स्मॉलेस्ट के लिए आपको बात करनी है, तो आपके पास क्या है, x प्लस 19 है।
जब आप देखो जीरो रख कर देखेंगे, 19 + 0 = 19, और 19 आपका जीरो से सॉरी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए आप जीरो तो इसकी जगह रख नहीं सकते। अब वन रख के देखो, जब आप वन रखेंगे तो 19 + 1 कितना होता है 20। अब 20 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए हम ये भी नहीं रखते। अब देखो अगर हम यहाँ पर 2 रखें x की जगह, अगर हम 2 रख दें तो हमारा क्या आएगा, 2 + 19 कितना होता है 21, और 21 क्या होता है 3 से डिवाइड होता है। तो हम क्या रखें, इस x की जगह हमने क्या रख लिया 2। ठीक है, तो द नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर इज 2। तो यहाँ से जो रिक्वायर्ड नंबर था हमें वो क्या आ गया, 2 आ गया। अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो 19 + 2 हो गया आपके पास 21, और जो कि डिविजिबल होता है 3 से, तो हमारा ये नंबर भी क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। ऐसे ही जब आप ग्रेटेस्ट डिजिट के लिए करेंगे तो उसके लिए करो ग्रेटेस्ट डिजिट टू बी प्लेस्ड एट ब्लैंक स्पेस इज, अब आपके पास x प्लस 19 था ना, x प्लस 19 के लिए देखो सबसे पहले आपका जो ग्रेटेस्ट डिजिट है वो कितना है, सबसे बड़ा डिजिट है आपके पास 9। जब आप 19 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 28 आएगा, और 28 क्या होता है हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता। तो अब 9 तो हम रख नहीं सकते, तो हमने नेक्स्ट चेक किया 8 के लिए। 8 के लिए जब हम चेक करेंगे तो देखो 8 + 19 कितना होता है आपके पास 27, और 27 क्या करता है 3 से डिवाइड करता है, तो क्या होगा हमारे पास 27 इज डिविजिबल बाय 3। सो द ग्रेटेस्ट डिजिट टू बी प्लेस्ड एट ब्लैंक स्पेस इज 8। अब जो है बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में आपके पास स्टेटमेंट थी 4, 7, 6, 5, ये ब्लैंक स्पेस और 2। अब वही रूल, अगर हमें 3 से डिविजिबिलिटी दिखानी है तो आपको क्या बोलना है कि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होने चाहिए। तो अब आप यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स करके देखो, सम ऑफ डिजिट्स आएंगे आपके पास 4 + 7 + 6 + 5 + x और + 2। हमने इस ब्लैंक स्पेस की जगह क्या किया, x रख लिया। ठीक है, अब सम ऑफ डिजिट्स देखो कितना आएगा, 4 + 7 = 11, 11 + 6 = 17, 17 + 5 = 22, और 22 + 2 कितना होता है 24, और प्लस में ये x। ठीक है, अब देखो जो हमें स्मॉलेस्ट डिजिट चाहिए, स्मॉलेस्ट डिजिट टू बी प्लेस्ड एट बिलिंग स्पेस इज, देखो कितना आना चाहिए। स्मॉलेस्ट डिजिट की बात कर रहे हैं ना, तो स्मॉलेस्ट डिजिट के लिए सबसे पहले हमें जीरो चेक करनी पड़ती है। तो जब हम 24 में जीरो ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 24 ही आएगा 24, और जब इस 24 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो वो 3 से डिवाइड कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हम क्या करें, जीरो रख दें इसकी जगह, तो देखो कितना आएगा 24 + 0 = 24, और 24 क्या होता है 3 से डिवाइड होता है। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट डिजिट है जो हमें ब्लैंक स्पेस पर रखना चाहिए वो कितना होना चाहिए, जीरो। ठीक है, अब जैसे आप ग्रेटेस्ट डिजिट के लिए चेक करेंगे तो ग्रेटेस्ट डिजिट टू बी प्लेस्ड एट ब्लैंक स्पेस इज, तो देखो ब्लैंक स्पेस के लिए जब आप ग्रेटेस्ट डिजिट की बात करेंगे उस पर देखो आपके पास क्या है, 24 प्लस x आपके पास,
अब आपको ग्रेटेस्ट डिजिट चेक करना है, तो सबसे पहले आप कितना चेक करेंगे, 9। अब अगर आप 24 में 9 ऐड करें तो देखो कितना आएगा, 24 और 9 होता है आपके पास 33, और 33 क्या होता है, 3 से डिवाइड होता है। तो आप क्या करो, एक्स की जगह 9 रखो। अब जब आप एक्स की जगह 9 रखोगे तो 24 प्लस 9 कितना होता है, 33, एंड 33 इज डिविजिबल बाय 3। सो तो ग्रेटेस्ट डिजिट एट ब्लैंक स्पेस आपका क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखो, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, कौन कौन से नंबर आए आपके, स्मॉलेस्ट तो आया है 0 और ग्रेटेस्ट कितना आया है, 9। तो ये आपका हो गया आंसर। अब जो है आप सिक्स्थ सम देखिए, सिक्स्थ सम में आपको क्या गिवन है कि राइट अ डिजिट इन ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स so that the number formed is divisible by 11। आपको बोला गया है कि आपको ब्लैंक स्पेस में कैसा डिजिट रखना है, जिसको रखने के बाद जो नंबर बनेगा वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल था वो क्या कहता था कि अगर आप डिफरेंस करके देखें, किसका रूल क्या था हमारे पास, कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स एट odd places and sum of digits at even places is 0 or a multiple of 11, then the number is divisible by 11। तो देखो बच्चों, आपने 11 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या पढ़ा था कि अगर आप सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस, आप ओड प्लेसेस पर सम निकालें डिजिट्स का और आप इवन प्लेसेस पर सम निकालें डिजिट्स का, और दोनों का क्या करें, डिफरेंस कर दें। अगर वो डिफरेंस 0 आता है या फिर 11 का कोई मल्टीपल आता है तो हमारा जो नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। तो आपसे इन्होंने यही पूछा है कि आपको ब्लैंक स्पेस में एक ऐसा डिजिट रखना है कि जिसको रखने के बाद जो नंबर बनेगा वो आपका किससे डिविजिबल होना चाहिए, 11 से। तो देखो फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या है, ए पार्ट में 92 ब्लैंक 389। अब ये है, आप क्या करो, इस ब्लैंक स्पेस की जगह आप एक्स पुट कर दो। अब देखो सबसे पहले काम हमारा क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स निकालना एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ओड प्लेसेस पर देखो, ओड प्लेसेस हमारे कौन से होते हैं, फर्स्ट पर, थर्ड पर और फिफ्थ पर। तो अब इनको ऐड करो, पहले 9, फिर 8 छोड़कर 3, फिर x छोड़कर 2। अब क्या है, ये कितना आएगा, 9 प्लस 3 होता है आपके पास 12, और 12 और 2 कितना हो गया, 14। अब करो सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस मीन्स जो आपका 2, 4, 6 पर आया होगा, तो देखो सेकंड नंबर पर कौन है, 8 है, प्लस फोर्थ नंबर पर कौन है, x है, और प्लस सिक्स नंबर पर कौन है, 9 है। तो अब इनको ऐड करो,
8 और 9 कितना होता है आपका 17 और प्लस x। अब हमने क्या किया, ओड प्लेसेस पर भी सम निकाल लिया और इवन प्लेसेस पर भी सम निकाल लिया। अब आप क्या करो, दोनों का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस आप कैसे करते हैं देखो, डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को क्या करो, माइनस कर दो। एक था आपके पास 17 प्लस एक्स और माइनस कर दो इसमें से कितना 14। आप देखो 17 में से 14 गया कितना आएगा 3 और ये प्लस एक्स। अब ये डिफरेंस को आप ध्यान से देखो, 3 प्लस एक्स है। अब आप क्या करो, इसमें कुछ ऐसा नंबर x की जगह रखो कि आपका जो सम है या जो डिफरेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, या तो 11 से मल्टीपल होना चाहिए, 11 से मल्टीप्लाई हो या 11 से डिवाइड हो, या फिर 0 होना चाहिए। अब देखो 0 तो ये हो नहीं सकता क्योंकि हमें माइनस रखना पड़ेगा। अब देखो हम क्या रख सकते हैं, अगर हम 3 में कितना रख दें, अगर हम x की जगह 8 रख दें तो देखो कितना आएगा, 3 प्लस 8 इज 11। तो 11 क्या है, 11 से डिवाइड होता है ना, तो अगर हम x की जगह 8 रख दें तो हमारा नंबर जो है, डिफरेंस जो है 11 बन जाता है, और 11 हमारा 11 से डिविजिबल है। तो हमारा जो नंबर था ब्लैंक स्पेस में 9 2, और x की जगह हमने कितना रखा, 8 रखा, 3 8 9। तो ये नंबर है जो इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, ऐसे ही आपको बी पार्ट करना है। बी पार्ट देखो, ये दिया आपको 8 ब्लैंक स्पेस 9 4 8 4। ठीक है, तो अब वही करो, सबसे पहले ब्लैंक स्पेस की जगह x रखो, 8 x 9 4 8 4। उसके बाद आपको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स निकालना है, सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस। ओड प्लेसेस पर आप सम निकालो। ओड प्लेसेस कौन से होते हैं आपके, 1 3 5th, ऐसे। तो फर्स्ट पर कौन है, 4 प्लस 8 छोड़कर 4, फिर 9 छोड़कर x, है ना। तो ये हो गया आपका 4 प्लस 4 8 और प्लस x। अब क्या करो, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस के लिए आप सम निकालो। इवन प्लेसेस के लिए देखो, सेकंड नंबर पर क्या है, 8 प्लस, फिर ये वाला छोटा थर्ड, फोर्थ पर कौन है, 9, फिर प्लस ये छोटा, ये आ गया 8। ठीक है, अब इसको ऐड करो, कितना हो गया 25। 8 और 9 17, 17 और 8 25। अब आपने ओड प्लेसेस पर भी सम निकाल लिया और इवन प्लेसेस पर भी निकाल लिया। डिफरेंस देखो, 8 प्लस एक्स ऐसे कर लेते हैं, 25 माइनस 8 और माइनस एक्स। अब 25 में से जब आप 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17 और माइनस एक्स। अब देखो ये 17 माइनस एक्स जो है, एक्स की वैल्यू ऐसी रखो कि आपका या तो डिफरेंस 0 आए, या तो आपका डिफरेंस क्या आए, 11 का कोई भी मल्टीपल आए। तो अगर आप एक्स की जगह 1 रखते हैं तो 17 माइनस 1 कितना होता है, 16 नहीं होता डिवाइड 11 से। अगर आप 2 रखते हैं तो भी 15 आता है, अगर 3 रखते हैं तो 14 आता है। तो आप क्या करो, इसमें आप रखो 6, एक्स की जगह जब आप 6 रखोगे तो देखो कितना आएगा, क्या हो गया आपके पास 11। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, x इज इक्वल्स टू 6। तो जब आपका ये 11 आ जाता है तो 11 क्या है, 11 से डिवाइड होता है। तो आप बोलेंगे कि जो आपका नंबर था 8 और यहाँ पर आपने रखा 6, 9 4 8 4 इज डिविजिबल बाय 11। सो द रिक्वायर्ड नंबर इन ब्लैंक स्पेस इज 6।